स्वागत है टैक्स मित्रा के चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटीआर 4 जो आपका लेटेस्ट यूटिलिटी है वो आपको आ गया है डाउनलोड करने के लिए। उसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड्स पे जाइएगा ऑफलाइन टूल पे और यहाँ जीएसटीआर 4 ऑफलाइन टूल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको अनजिप कर दीजिएगा। अनजिप करने के बाद उसको फिर मतलब एक्सट्रैक्ट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपने कर लिया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इसका मैनुअल है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका 4A यानी जिसमें आपको परचेज डालनी होती है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया था 4B और 4C में उन्होंने परचेज डालनी थी जिनपे उनपे रिवर्स चार्ज के अंदर उनपे टैक्स आ गया था और उनका रिटर्न खराब हो गया था, वो भर नहीं पाए थे। तो चलिए इस बार भी आप ऐसा कुछ मत करिएगा, अभी भी आपका 4A अवेलेबल नहीं है जहां पे आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से यानी रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेज करते हैं वो भरनी है, वो कॉलम अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। 4A अभी भी अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल कब होगा? आपका Q4 यानी आपका जो जनवरी जो चल रहा है और मार्च यानी जनवरी से मार्च तक का जो पीरियड होगा उसमें आपका ये अवेलेबल होगा। तो चलिए चलते हैं रिटर्न फाइलिंग की ओर। लिए आपका देखिए आपने लॉगिन कर लिया होगा, लॉगिन कर लीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सेल शीट को यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे इनेबल कंटेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये इनेबल हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ से जीएसटी नंबर अपना कॉपी कर लीजिए। क्लियर टैक्स पीरियड अक्टूबर से दिसंबर, ये वाला आपको चूज करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्यादा जल्दी मत मचाइएगा, आराम से अक्टूबर से दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर आपको 6 में जाना है। फिर यहाँ पे आपका जो ग्रॉस टर्नओवर है इसको डालेंगे। ठीक है, टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे होम पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गेट समरी, समरी सक्सेसफुली जनरेटेड, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका आ गया है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपने जीएसटी नंबर भी डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद जनरेट जॉसन फाइल, इसको डेस्कटॉप पे कर लीजिएगा। इसके बाद डेस्कटॉप करने बाद रिटर्न डैशबोर्ड, देखिए इसमें बता रहा है आपका कि जो आपका Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर का था वहां पे आप अब फाइल कर सकते हैं टैक्स पेयर, लेकिन उसमें क्या होगा, नो अमेंडमेंट कैन बी मेड इन द डिटेल्स इन डिटेल्स फील्ड इन द Q2। मतलब अभी जो Q2 में इन्होंने अमेंडमेंट की कोई इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। अमेंडमेंट मीन्स कि आप जो पहले जुलाई अगस्त सितंबर में जो आप मान लीजिए कुछ गलत फाइल कर दिया या कम फाइल कर दिया तो उसका अमेंडमेंट Q2 में भी Q2 का जो अमेंडमेंट है Q3 में अभी आया नहीं है। तो Q2 में क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके लिए Q3 में अभी कोई प्रोविजन नहीं दिया है। अभी एज इट इज जैसे Q2 का रिटर्न था वैसे ही Q3 का भी रिटर्न दिया है, तो उसके लिए अभी आपको अमेंडमेंट के लिए फैसिलिटी के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने लास्ट ठीक है, आप अपना जो जो लास्ट डेट थी उसको भी इन्होंने अपडेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था तो उसमें नहीं अपडेटेड थे, अभी मैं दिखाऊंगा, चाहे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अब आपका दिखा रहा है 18/1/2018, मतलब आपको 18 जनवरी 2018 लास्ट डेट इस रिटर्न को फाइल करने की, आज 13 तारीख है और आपको 18 तक के फाइल करना है। तो चलिए हो सकता है कि मतलब उन्होंने बहुत कृपा करी कि 18 ही कोई नहीं दिया, आज इतनी जल्दी हम लोगों को ये टूल प्रोवाइड कर दिया और फैसिलिटी अपडेट कर दी है। तो चलिए शुक्र मनाइए जीएसटी वालों का, है ना। अक्टूबर से दिसंबर में जाइए और फिर ऑफलाइन पे जाइए और जो हम लोगों ने बनाई है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये था अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसको कर दिया, यहाँ पे प्रोसीड हो गई है, कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं आएगा लेकिन जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे सारे एरर भी आते जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज अब लेट मत करिएगा, अब आ गया इसको जल्दी से फाइल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ऑनलाइन पे जाइएगा, ये आपका पहले से दिख रहा होगा, इसको बार फिर से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहले वाले का होगा और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे जाइए,
सबसे मेन प्रीव्यू होता है, आप प्रीव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद ही कोई फाइलिंग करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ दिख रहा है, और कॉलम सिक्स में जाइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे टर्नओवर और टैक्स आपका दिख रहा है, नहीं तो ये नील का फाइल कर देगा अगर ये सब नहीं दिखेगा तो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सबमिट कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करिए, सबमिटेड हो गया। अब वैसे ही 864 टैक्स जमा करना, एक बार चेक कर लीजिए क्या किस मिक्स में जाना है, सेंटर में 432 और स्टेट में 432, में 432 रुपए सेंटर में और 432 रुपए स्टेट में, ठीक है। उसके बाद अपना पेमेंट में जाइए, क्रेडिट चालान कर लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने 432 में डालना था, यूपी स्टेट से है तो इसका यहाँ पे आपका स्टेट दूसरा हो सकता है, ठीक है। यानी कॉलम सिक्स जो है आपका दूसरा भी हो सकता है, दूसरा स्टेट भी हो सकता है, ठीक है। मैं ई पेमेंट चूज करूंगा, आप इसमें से कोई और भी चूज कर सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस भी, ओवर द काउंटर भी, और ई पेमेंट जो आप लोगों को सही लगे। क्रेडिट चालान पे जाइए, ठीक है। उसके बाद नेट बैंकिंग में, अब मेरी बैंक बड़ौदा है, सबको पता भी हो गया होगा अब तक के, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे, मेक पेमेंट पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं अपना पेमेंट करूंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका, यहाँ से ये आपका पेमेंट कम्प्लीट है सक्सेसफुली। यहाँ से आपकी वी रिसिप्ट में जाके अपनी रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों की ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिसिप्ट आ गई पूरी, ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड पे आप करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग फिर वही डैशबोर्ड पे जाके, है ना, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाके अक्टूबर से दिसंबर पे जाना होगा, ठीक है। ये सर्च पे गए, फाइल GSTR4, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके अपना कैश यूटिलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन फेल हो रहा है ना, ठीक है। अब आया है, फिर से एक बार यूटिलाइज कैश करिए, थोड़ा सा एरर आ रहा है, है ना, थोड़ा सा उसको बैग जाके फिर से आइए। अभी तो एरर तो है ना, देखिए टोटल पेड इन कैश यहाँ पे है, यहाँ पे यूटिलाइज कैश पे जाइए, चेक सम वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, कोई एरर फिर से नया आ गया होगा, है ना। कैश लेजर बैलेंस में देखिए, अभी भी कैश लेजर भी अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे, और आपका कैश जमा हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले गई है ना, अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पे कैश लेजर डैशबोर्ड में जाके, यहाँ पे चेक कैश बैलेंस, यहाँ पे देखिए अपडेट हो गया 864 रुपीस, ठीक है। यहाँ 432 है ना, रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए, है ना, अक्टूबर से दिसंबर में जाके सर्च पे फिर से GSTR4 में फाइलिंग में लेट फीस में, ये देखिए अब यहाँ पे यूटिलाइज कैश करते हैं, है ना। अभी भी वैलिडेशन चेकसम वैलिडेशन फील्ड बता रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, है ना, क्योंकि अभी इन्होंने नया ही अभी स्टार्ट किया है अभी से, है ना। और यहाँ पे जो आपका कैश बैलेंस है, यहाँ पे कैश बैलेंस उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, नए नए जैसे होता है वैसे वैसे वो एरर नए नए लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चेकसम वैलिडेशन एरर था, मैंने इसके लिए पता लगाया, अभी कॉल भी किया उनको, है ना, फिर से देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बोल रहे हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम है और सबको ही आ रहा है, सुबह से ही आ रहा है, तो इसमें बोल रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए 13 तारीख भी आपको नहीं मिली है फाइलिंग के लिए, ठीक है, आप सबमिट कर दीजिएगा, लेकिन अभी आपका ये एरर आ रहा होगा, ठीक है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको, देखिए अभी भी चेकसम वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, ठीक है, ये अभी कॉमन एरर है, सबको आएगा, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा जीएसटी की तरफ से, ये उनका कहना है। तो अभी भी आपको GSTR4 पूरी तरह से फाइल करने को नहीं मिला है, तो चलिए यहाँ तक आप पहुंच जाइएगा, उसको यूटिलाइज कैश कर लीजिएगा, उसके बाद आपका फाइलिंग, तो आप लोगों को ये पता है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, कोई तो दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मैं जल्दी ही आपको GSTR4 का भी वीडियो
अपलोड फिर से करूंगा जिसमें आपको ये एरर ना आए। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।